जय हिंद साथियों। तो साथियों आज के लेक्चर में बात करेंगे डिविजिबिलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की। जैसा कि आपको डिविजिबिलिटी ये नंबर सिस्टम के अंतर्गत आता है और नंबर सिस्टम के 5 से 6 लेक्चर आपको अपलोड कर दिए हैं जिसमें काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट जो है कंसेप्ट आपको सिखाए हैं। तो जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम इस लेक्चर को देख रहा है तो वो जो है प्रीवियस लेक्चर को जरूर देखें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो डिविजिबिलिटी विभाजकता है इसका जो फर्स्ट लेक्चर है मैंने जो है अपलोड कर दिया, आप उसको जरूर देखें क्योंकि उसमें मैंने आपको कंसेप्ट बताए थे, ठीक है ना। उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताए थे। तो आज हम आपको जो है सिखाएंगे डिविजिबिलिटी के ऊपर आधारित क्वेश्चन, ठीक है। बाकी जो भी स्टूडेंट कोर्स का GDBV की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो वाजी सब्सक्राइब करें अपना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सुपर स्काई क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट, देखिए मैं आपको बता दें, मैंने आपको डिविजिबिलिटी में सिखाया था कि जैसा बहुत आप केवल एक मिनट समझ लें, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि विभाजकता और यहाँ पर था भाग, ठीक है ना। और इसके बारे में मैंने आपको ये बताया था कि यदि आपको दो से जो है अगर आपका यहाँ पर जैसे दो से विभाजक मतलब दो विभाजकता है तो आप क्या करेंगे, अंतिम अंक से भाग करेंगे। किससे? अंतिम, केवल अंतिम यानी लास्ट डिजिट से आप भाग करेंगे, अंतिम अंक से आप भाग करेंगे। मैंने बोला और दो का मतलब है 2 की पावर 1, ठीक है ना। अगर इसी प्रकार से आपका दो के मतलब अगर इसी प्रकार से चारों चार का मतलब 2 की पावर 2 हो तो आप अंतिम 2 अंक से भाग करेंगे। यदि 2 की पावर 3 मतलब 8 हो तो आप अंतिम 3 अंक से भाग करेंगे, ठीक है ना। यही केस मैंने आपको 5 अगर एन का केस हो मतलब 2 की पावर n दैट इज n तो आप अंतिम n अंकों से भाग करेंगे, ऐसा मैंने आपको सिखाया था। फिलहाल आपको अगर अभी समझ नहीं आया, अगर आप फर्स्ट टाइम इस लेक्चर को देख रहे हैं प्रीवियस लेक्चर को जरूर देखें। और मैंने ऐसी 5 का केस बताया था कि यदि 5 है, 5 की पावर 1 मतलब 5 तो आप अंतिम अंक से भाग करेंगे, अंतिम अंक मतलब 0 और 5 से जो है इसको डिवाइड करेंगे, और 5 की पावर 2 दैट इज 25 तो आप क्या करेंगे, अंतिम 2 अंक से भाग करेंगे। अगर 5 की पावर 3 दैट इज 125 तो आप क्या करेंगे, अंतिम 3 अंक से भाग करेंगे, और 5 की पावर n दैट इज n तो आप अंतिम n अंकों से क्या करेंगे, भाग करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जो है डिविजिबिलिटी आपके जो है मतलब एग्जाम के प्रोस्पेक्ट में, ठीक है ना। इसके बाद ये तो क्लियर हो गया। इसके बाद मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बताई, तो इस चीज़ को समझें। ये फिलहाल मैंने पहले पढ़ा दिया है, ठीक है ना, इससे पहले वाले लेक्चर में आप जरूर देखें जाके वहाँ पर। और मैं आपको बता दें एक चीज़, इसके बाद एक रूल आया था कि 3 और 9 की डिविजिबिलिटी का, 3 और 9 की डिविजिबिलिटी का रूल आया था। 3 और 9 की डिविजिबिलिटी मैंने बोला कि 3 और 9 की डिविजिबिलिटी क्या होगा, 3 और 9 की डिविजिबिलिटी का एक रूल होता है। जैसे कोई संख्या है 3, 2, 4, 3, 2, ठीक है, डिविजिबिलिटी का रूल है 3 या 9 की डिविजिबिलिटी का रूल है। इनका जो सम होगा, इनका जो सम होगा वो 3 और 9 से कैसा होगा, डिविजिबल होगा, मतलब 3 और 9 से डिवाइड होगा। इसका शेषफल कितना आएगा, 0 आएगा। पॉइंट क्लियर है। अगर 3 और 9 से डिवाइड करने की बात करें, 3 और 9 की डिविजिबिलिटी की बात करें तो इनका सम जो है, इनका सम से हम निकालते हैं, ठीक है। इनके सम को हम 3 और 9 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अभी आपको क्वेश्चन निकालना सिखाएंगे। इसके बाद अगर हम बेसिकली बात करें, है ना, इसके बाद अगर हम बात करें 7, 11 और 13 की, तो 7, 11, 13 की डिविजिबिलिटी की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि यदि 7, 11, 13 की बात की जाए तो यहाँ पर क्या करते हैं, कोई नंबर दिया है 2, 3, 4, 2, 1 तो यहाँ पर इसके जोड़े बनाते हैं। इसके क्या बनाते हैं, जोड़े बनाते हैं, और जोड़े बनाने के बाद उसको क्या करते हैं, घटा देते हैं, ठीक है ना। आप देख पा रहे हैं कि 4 एक 5, 5 और 2, 5 और 2 कितना होगा, 7 होगा, 7 माइनस का आप देख पा रहे हैं कि 3 2 5, आप ऐसे घटाएंगे। ये किससे डिविजिबल होगा, ये तुम्हारा 11 से होगा, 7 से होगा, किससे होगा, 13 से होगा। पॉइंट क्लियर है, घटा देंगे तो ये कितना, 0 निकल के आ गया, ये मतलब डिविजिबल होगा। आइए हम बात करते हैं क्वेश्चनों की, ठीक है ना। बहुत अच्छे से आप लोग सीखने का प्रयास करना, है ना। तो देखिए पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर पहला आपकी स्क्रीन पे है। अब क्वेश्चन पहला क्या कह रहा है, क्वेश्चन पहला कह रहा है बहुत अच्छे से, यदि आपसे कह रहा है यदि 54, 32 और यहां पर आपको दिया है एक स्टार रूप में, आगे आपको दिया है 7 कमा 9 से विभाज्य है, 9 से विभाज्य है, 9 से विभाज्य, तब आपसे उन्होंने बोला है कि इसका मान ज्ञात करो। आपको 4 ऑप्शन नहीं होंगे, मेरी बात को समझना। अब रूल समझना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे कहा यदि 54, 32 स्टार 7, 9 से विभाज्य तब स्टार का मान। अब आप एक बात ये जानते हैं कि 9 से विभाज्य का रूल होता है कि इन सबका सम करते हैं, क्या करते हैं, इन सबका सम करेंगे, माइंड करना, इनका सम करेंगे, 5 प्लस 4 प्लस का 3 प्लस का 2 ए स्टार ऐसे रहेगा, प्लस स्टार प्लस 7 अपान में कितना आएगा, 9 आएगा। अब एक चीज़ देखें आप लोग, 5 4 9 होता है, 9 3 12 होता है, 12 2 14 होता है, और 14 7 कितना होता है, 21, तो आपको मिलेगा 21 प्लस का ये स्टार मिलेगा अपान में 9। अब एक चीज़ को समझें,
अब यहाँ पर क्या करेंगे, स्टार का वो मान लगाएंगे जिससे ये 9 मतलब 21 मिनटों की पूरा डिवाइड हो जाए। तो अगर एक लगाएंगे तो आपको 22 मिलेगा, 3 लगाएंगे तो आपको मतलब जो है मेरे कहने का मतलब 2 लगाएंगे तो 23 मिलेगा, वो भी नहीं कट रहा है। अगर यहाँ पर हम 6 लगाएंगे तो कितना मिलेगा आपको, 21 और 6 कितना मिलेगा 27 मिल जाएगा, ठीक है। 21 और 6 कितना मिलेगा 27 हो जाएगा, और 27 नौतियाँ 27, मतलब यहाँ पर कहने का शेषफल कितना होगा 0। तो अगर हम यहाँ पर स्टार बराबर 7 लगा दें, सॉरी स्टार बराबर 6 लगा दें तो आपको 21 और 6 कितना मिलेगा 27 बटे में 9, तो नौतियाँ 27। तो इस तरह से हम लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। आई होप किसी स्टूडेंट का कोई डाउट क्लियर, लेकिन हमारा जो करेक्ट आंसर है वो कितना है, स्टार इक्वल टू 6। अब आपके आंसर की बात करूँ तो आंसर कितना होगा, ये स्टार बराबर 6 आंसर होगा। क्या आप लोग मेरी बात से सेटिस्फाई हैं? आइए एक अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है ना। और मैं एक बात बता दें माय स्टूडेंट, यदि आप इंडियन कोस्ट गार्ड GDDB की बहुत अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, बहुत अच्छा स्कोर लाना चाहते हैं, मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना चाहते हैं, तो आज ही डाउनलोड करें परीक्षा ऐप, आज ही डाउनलोड करें परीक्षा ऐप। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। इस परीक्षा ऐप को वहाँ पर लिंक से डाउनलोड करें, प्ले स्टोर के द्वारा आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद परीक्षा ऐप को डाउनलोड करने के बाद वहाँ पर आप डाउनलोड करेंगे तो कुछ आपसे हो सकता है पेमेंट मांगे, कुछ भी मांगे कि ज़्यादा नहीं, शायद 300 रुपये का पेमेंट मांगता है, जिसमें आपको मैं बता दूंगा अभी। और उसमें क्या करेंगे आप, उसमें आप एक कोड यूज करेंगे, कोड क्या है, ये है SuperSky50, SuperSky50 इसका कोड है। आप इस कोड को जैसे यूज करेंगे तो आपको तुरंत 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा, दैट इज आपका 149 रुपये का ये लगभग एक प्लान है, ठीक है ना। इसमें हमारा कुछ नहीं रोल है, 149 रुपये का आपका ये प्लान है, जिसकी वैलिडिटी 180 दिन की होगी, ठीक है ना, 180 डेज की इसकी वैलिडिटी होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे आप इसको लॉग इन करेंगे उसमें ऑप्शन आएगा GD या DB, तो आप एक को चूज करके आप इसको क्लिक करेंगे। इसके बाद वहाँ पर आपको मॉक टेस्ट लगाने को मिलेंगे, ऑनलाइन टेस्ट देने को मिलेगा, आपको अपने वहाँ पर रैंक देखने को मिलेगी, ठीक है ना। तो आज ही डाउनलोड करें परीक्षा ऐप बेहतर तैयारी के लिए, ठीक है ना। ये बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आपसे कुछ ऐसे कह रहा है, माइंड करना मेरी बात के लिए, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 67-35, यदि 67-35 और आपको कुछ इस तरह से स्टार दिया है, एक में अल्पतम मान क्या है जो 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब माइंड करना, यहां पर भी 9 की डिविजिबिलिटी की बात की गई, यहां से आपसे कह रहा कि इस स्टार का कितना न्यूनतम, कितनी मिनिमम अल्प वैल्यू का मतलब होता है मिनिमम वैल्यू, कितनी मिनिमम वैल्यू को पुट किया जाए जिससे ये पूरा जो है 9 से विभाजित हो जाए। तो 9 से विभाजित का रूल होता है, इन सबका सम जो है, इन सबका सम वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो स्टार का वो मान लगाएंगे, स्टार में हम लोग वो मान लगाएंगे जिससे इनके सम में जो है 9 से पूरा पूरा डिविजिबल हो जाए, कोई शेषफल मतलब जो है पूरा पूरा डिविजिबल हो जाए। पॉइंट के लिए अब बात समझना आप लोग, देखिए एक चीज को समझना। अब अगर हम यहाँ पर समझें, आपसे बात समझना, शेषफल की बात करूँ मैं, यहाँ पर बात समझना आप लोग, 6 है, आप ऐड करेंगे प्लस 7 मिलेगा, प्लस 3 मिलेगा, प्लस 5 मिलेगा, प्लस आपको मिला है स्टार, प्लस 1 अपान में 9 रहेगा। एक बार जरा ऐड करके देखो, 6 6 12 13 13 3 16 होता है, और 16 5 कितना होता है 21, 21 और 1 22, 22 हो गया, प्लस का स्टार रहेगा अपान में 9। अब आप बताइएगा कि स्टार का कितना मान लगाएं जिससे 9 से जोड़ के पूरा डिवाइड हो। आपको पता है कि यहाँ पर अगर हम 5 लगा दें, कितना लगा दें 5, स्टार 5 लगा तो 22 5 27 नौतियाँ 27, तो आपको मिलेगा 22 प्लस का सॉरी 22 प्लस का 5 अपान में 9, तो आपको मिलेगा 27 अपान में 9, नौतियाँ 27, कहने वाला शेषफल 0 आया। अतः करेक्ट आंसर हमारा कितना होगा, स्टार का मान 5, ये आपको ऑप्शन में मिलेगा आंसर। तो यानी कि इसका मान कितना होगा 5, यानी कहने का मतलब में अल्पतम मान क्या होगा जो 9 से, स्टार में अल्पतम मान मतलब स्टार का मान पूछा आपका कितना होगा 5 मान निकाल के आ जाएगा। आई होप समस्या किसी को नहीं होगी, ठीक है ना। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 157 स्टार 234 आपसे कह रहा है 157 स्टार 234 पूर्णतः 3 से विभक्त है, 3 से विभक्त मतलब 3 से विभाजित है, तब आपसे कहा है कि स्टार का मान। देखिए मैंने 9 और
तीन का रूल आपको समझा दिया कि इन सब का सम कीजिएगा, उस बाद स्टार का वो मान लगाइएगा जिससे जिसमें ये तीन से पूर्णतः डिवाइड हो जाए, शेषफल मतलब जीरो आना चाहिए, है ना। तो मेरी बात को समझना आप लोग, डेट टाइटली समझना, उनको ऐड करेंगे सबको, है ना, कि तो मैंने आपको रूल सिखाया था। 1 5 आपका 6 हो गया, 6 12 1 13 हो गया, 13 2 15 हो गया, 15 3 18 4 22 22 है प्लस स्टार। अब अपान में कितना है? 3। अब यहाँ पर स्टार का वो मान पुट करना है जिससे ये जो मतलब स्टार का वो मान लगाना है जिसमें ये जिससे मतलब ये 3 जो है पूर्णतः डिवाइड हो जाए, इसका सम करके, ठीक है। तो आपको पता है स्टार अगर हम 1 लगाएं तो 22 1 23 मिलेगा, 2 लगाएं तो 24 मिल जाएगा। तो 22 प्लस 2 अपान में 3 तो 24 मिलेगा, 24 अपान 3 8 3 24। तो कहने का मतलब स्टार बराबर जो निकला वो कितना निकला है? 2 निकला है, है ना। तो कहने का मतलब इसका करेक्ट आंसर कितना रहेगा आपका? 2 रहेगा। आई होप किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है ना। आइए अगले क्वेश्चन की बात करें हम लोग। अब आपने 9 और जो है 3 का रूल समझ लिया, ठीक है, 9 और 3 का रूल आसानी से समझ लिया, कोई समस्या आप लोगों को बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, 9 और 3 का रूल समझ लिया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, अब कह रहा है, अब आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्टार का मान ज्ञात करो, स्टार का मान ज्ञात करो, जैसे कि 54 28 स्टार 11 से विभाज्य है, जो कि 58 24 है ना, 58 24 और आपको दिया है स्टार कमा 11 से विभाज्य है। अब एक बात को समझना, मेरी बात को डीपली समझना। यहाँ पर देखिए कहने का मतलब क्या है कि अभी मैंने आपको 3 और 9 का रूल समझाया था कि यदि 3 और 9 की डिविजिबिलिटी की बात की जाए तो उन सब का सम कर दो, जोड़ कर दो, वहाँ पर स्टार का वो मान लगा दो जिससे 3 और 9 या किसी से भाग करने पर, 3 या 9 में से जो भी दिया उससे भाग करने पर शेषफल 0 बचे, तो है ना। तो उसके लिए अब 11 का रूल आ गया, मैंने आपको 7 11 और 13 का रूल समझाया था कि 7 और 11 13 में रूल आए, तो उसमें क्या होता कि 7 11 13 की कंडीशन में क्या करेंगे हम, इसके जोड़े बनाएंगे, जोड़े बनाने के बाद हम लोग उसको घटा देंगे, घटाने के बाद वो तुम्हारा 11 7 13 से क्या होगा? डिविजिबल होगा। तो तुमसे बोला अब 11 की बात की गई तो अब क्या करेंगे? जोड़े, माइंड करना, 5 8 2 4 और जो तुम्हारा स्टार है जोड़े का मतलब इसका इसके साथ और इसका इसके साथ सम करेंगे, ठीक है, और इसका करेंगे इसके साथ। तो आपको 5 मिलेगा, 5 2 7 7 प्लस स्टार हो गया 7 प्लस स्टार, माइनस करेंगे 8 4 12। अब आपको करना क्या है? स्टार का वो मान पुट करना जिससे ये 0 हो जाए। तो आपको पता कि 7 में अगर हम 5 ऐड करें तो 7 5 12 12 माइनस 12 कट जाएगा, तो आपको स्टार आ रहा हो कितना लगा दो, 5 लगा दो, तो आपको मिलेगा 12 माइनस का 12, तो कितना आ गया तुम्हारा निकल के 0। तो कहने का मतलब स्टार का मान कितना आ गया? 5 आ गया। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? इतना सरल क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा, है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, अगला क्वेश्चन आपको कुछ इस तरह से दिया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 बाई 3 बाई 6 1 बाई 3 बाई 6 आगे आपसे उन्होंने बोला है 1 बाई 3 बाई 6 11 से विभक्त है, पूर्णतः 11 से क्या है? विभक्त है। तो आपसे बोला कि बाई का मान आपको फाइंड करना है ना, बाई की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो माइंड करना बाई की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। देखिए अब जोड़ा बनाना है, 11 की बात है, तो 1 बाई 3 बाई 6 ये इसके साथ रहेगा, ये इसके साथ रहेगा, 6 3 9 1 10 मिलेगा, माइनस का 2 बाई। अब यहाँ पर बाई का कितना मान पुट किया जाएगा? 0 बनेगा, तो बाई इक्वल टू 5 कर दो, तो 10 माइनस का 10 इक्वल टू 0। तो कहने का मतलब करेक्ट आंसर आपका 5 मिलेगा, तो बाई इक्वल टू निकल के आएगा आपका 5। बाई इक्वल टू कितना निकलेगा आपका? करेक्ट 5 निकल के आएगा। तो मेरे कहने का मतलब इस तरह से हम लोग आसानी से क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेते हैं। अगर अगर आपसे 11 12 11 13 7 का कोई भी इस तरह का क्वेश्चन दिया हो तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आसानी से हम लोग इस तरह से निकाल लेते हैं, ठीक है। तो आई होप किसी प्रकार से समस्या नहीं होगी, मैं आपको बारी बारी से समझा दिया, ठीक है ना। बाकी मिलते हैं न्यू लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।